कहाँ से आए आप? उज्जैन से आए हूँ। उज्जैन से आए हैं? यस। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। हर हर महादेव दोस्तों, जय बाबा अमरनाथ भगवानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं पवन शर्मा और दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूं अमरनाथ यात्रा पर, जो कि अभी हमारी जम्मू से स्टार्ट होकर पहलगाम तक जाने वाली है और पहलगाम से हम चंदनवाड़ी होते हुए सीधे अमरनाथ गुफा पर पहुँचेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं और लेते हैं सुंदर नज़ारों का आनंद। और अभी हम इस वक्त है जम्मू से पहलगाम जाते हुए अमरनाथ यात्रा पर। इस यात्रा में हम आर्मी काफिले के साथ जा रहे हैं जो हमें सुरक्षा और सहारा दे रही है। दोस्तों जम्मू से पहलगाम तक का सफ़र सच में अनोखा और यादगार है। रास्ते में जो सुंदर नज़ारे, उन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। हर मोड़ पर एक नई तस्वीर, एक नई कहानी। हर जगह पर भंडारे लगाए गए हैं जहां यात्रियों को खाना और पानी मुफ्त में मिलता है। यह सब देखकर दिल से दुआ निकलती है और लोगों के लिए जो अपने सेवा भाव से यात्रा को सफल बनाते हैं। दोस्तों यह यात्रा सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का सफर नहीं है, बल्कि एक परीक्षा भी है। कभी कभी कुदरत भी हमें अग्नि परीक्षा में डाल देती है, पर इन मुश्किलों से हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें पार करके उन्हें अपने हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहुंचते हैं और आपको दर्शन कराते हैं बाबा अमरनाथ बर्फानी के। ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो दोस्तों आज हम आ गए हैं रामबन, और आपको पता है हमारी जो सीरीज है वो अमरनाथ सीरीज चल रही है अभी। और दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं रामबन, यहाँ पे स्टॉपेज होता है और यहाँ पे अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ता वगैरह करके अब थोड़ी देर में हमारा कौन भी निकलेगा यहाँ से। और आप देख सकते हैं ये नज़ारे सुंदर से, ये सभी नज़ारे देखिए आप, बहुत सुंदर। बादल आ रहे हैं पहाड़ों पे और बहुत ही सुंदर नज़ारे नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से कौन वो अपना निकलेगा और फिर पहुँचेंगे हम पहलगाम। पहलगाम के बाद में हम लेंगे वहाँ से टैक्सी, और टैक्सी लेने के बाद में फिर हम पहुँचेंगे। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हम निकल चुके हैं अपने भंडारे से आगे की तरफ, और आप देख रहे हैं साइड में ये सारी जो फोर्स लगी हुई है, ये हमारी सिक्योरिटी और सुरक्षा में लगी हुई है दोस्तों। और सल्यूट है इंडियन आर्मी के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, जो हमारी इतनी सेवा भाव से हमारी सहायता और हमारी सहायता कर रही है। तो दोस्तों चलो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको और भी सुंदर सुंदर नज़ारे और कराते हैं महादेव के संपूर्ण दर्शन। सुना है दोस्तों महादेव के दर्शन आसान नहीं होते, क्योंकि
वही पहुंच पाते हैं दर पे जिनको श्री बाबा अमरनाथ बर्फानी बुलाते हैं। तो दोस्तों इसी भाव के साथ बढ़ते हैं आगे और लेके चलते हैं आपको अपने साथ अपनी वीडियो के माध्यम से, और चलिए हमारे साथ और करिए आप भी दर्शन बाबा अमरनाथ बर्फानी के। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं और पहुंचते हैं आगे की ओर और आपको दिखाएंगे सुंदर सुंदर नज़ारे और देंगे पूरे रास्ते की और हर जगह की संपूर्ण जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम जो आए हैं पहली बार आए हैं और मैं सोलो चल रहा हूँ। और दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी भाई यहाँ पे आए और वो मेरी तरह ही परेशान हो, तो इसीलिए मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। और जो भाई अभी हमारे चैनल पर नए हैं और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो भाई अमरनाथ जाना चाहते हैं संपूर्ण जानकारी मिलेगी हमारी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और ये आप देख ही सकते हैं इंडियन आर्मी लगी हुई है और चारों तरफ पूरी आर्मी लगी हुई है चारों तरफ। ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे किसी खतरनाक सिक्योरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी वाली फीलिंग है, मैं इस फीलिंग को आपको अपने बयानों में बयान नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, जैसी फीलिंग मैं महसूस कर पा रहा हूँ। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि जो हमारी सरकार है वो हमको इतनी अच्छी सिक्योरिटी और सुरक्षा दे रही है। दोस्तों मैं शायद बहुत जगह गया हूँ घूमने के लिए और बहुत तीर्थ किए हैं, बट जैसे तीर्थ मैं अभी इस टाइम कर रहा हूँ, ये जो यात्रा मेरी चल रही है, इस यात्रा में मेरे को जो मेरा अनुभव है वो कुछ अलग अनुभव है। अगर आप भी आएंगे तो आपको भी एक अलग अनुभव की अनुभूति होगी यहाँ पे आने के बाद में। तो दोस्तों आप भी ज़रूर आएँ अमरनाथ यात्रा पे, और बड़ी ही पावन और पवित्र यात्रा है श्री महादेव अमरनाथ बर्फानी की जो यात्रा है। दोस्तों कहते हैं जो लोग भूखे प्यासे जो लोग होते हैं, इसी के नाम पे बाबा का नाम रखा गया है, भूखे कौन प्यासे को पानी, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और पूरी सिक्योरिटी हमारे लिए लगी हुई है रोडों पर। तो एक सल्यूट तो ज़रूर बनता है कमेंट में, जय इंडियन आर्मी ज़रूर लिखें और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखें। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं आगे और लीजिए आप सुंदर नज़ारों आनंद। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमारे जवान अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से तैनात है और यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। यह जो भाईचारा और मदद का जज्बा है यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। इस शक्ति को बढ़ाते हुए और भक्ति को बढ़ाते हुए चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यह यात्रा हमें सिर्फ भगवान के करीब नहीं लाती बल्कि एक दूसरे के करीब भी लाती है। मुश्किल वक्त में कैसे सब एक दूसरे की मदद करते हैं यह देखने लायक है। यही है हमारी अमरनाथ यात्रा की असली कहानी। देखिए दोस्तों यात्रियों को कैसे अपनी यात्रा को खुशनुमा बना रहे हैं। बस रुकी है, पता चला है कि कहीं पहाड़ गिर चुका है, इसकी वजह से हमारी यात्रा स्थगित कर दी गई है और यात्री यहाँ पर उतर के अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और अपनी यात्रा को खुशनुमा बनाने के लिए फोटो सेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दो
दोस्तों, यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। अभी हम रामबन में हैं और यहाँ एक पहाड़ गिरने की वजह से हमारा काफिला रोक दिया गया है। यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए एक जीवन की तरह है। जो हम पूरा जीवन जीते हैं वो हम इस यात्रा में पूरा जीवन जी लेते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, पूरा काफिला हमारा रामबन में रोक दिया गया है। ये आर्मी बेस कैंप है और आप देख सकते हैं चारों तरफ आर्मी लगी हुई है और आर्मी हमको लेके जा रही है पूरे बेस कैंप में। और आज का स्टे शायद हमारा बेस कैंप में ही होगा। चलते हैं, पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या होता है, काफिला होगा आज हमारा निकलता है या नहीं निकलता है, या कल निकलेंगे, ये तो जाने के बाद में पता चलेगा। अभी पहुँच रहे हैं हम नीचे, नीचे भंडारे लगे हुए हैं और भंडारे लंगर खाएंगे और लंगर खाने के बाद में फिर देखते हैं, थोड़ा विश्राम वगैरह करने के बाद में निकलते हैं या नहीं निकलते हैं आज यात्रा के लिए। अभी आप देख सकते हैं पूरा आर्मी ने हमारी यात्रा रोकी हुई है, स्टॉपेज बना बना के ये यात्रियों को नीचे भेज रहे हैं जिससे सुविधा बनी रहे, यात्रियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि तो यात्रा बहुत ज़्यादा है, 2,000 से 2,500 आदमी एक साथ निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी जा रहे हैं हम नीचे की तरफ और पहुंचते हैं नीचे और बेस कैंप में और वहां पे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं रामबन बेस कैंप और दोस्तों ये आप देख रहे हैं लंगर की लाइन। अब यहां पे सभी लोग लंगर खाएंगे और उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। पहले लंगर में आपको दिखा देते हैं क्या क्या है और पूरी जानकारी देंगे यहाँ के भी बारे में। तो दोस्तों, बड़ा ही सुंदर और अच्छी जगह है और यहाँ पे आने के बाद में बड़ा आनंद आया। तो चलो चलते हैं लंगर के अंदर और दिखाते हैं आपको लंगर में क्या क्या रखा है। हर हर महादेव, जय शिव शंभु भोलेनाथ, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं चावल दाल पूड़ी वगैरह और हलवा है, 2-3 तरह की सब्जी है। दोस्तों देख लीजिए, ये देखिए, तो अभी हम भी लेंगे भोजन और भोजन करते हैं और दर्शन कराएंगे आपको महादेव बाबा के। पहले आपको महाकाली के दर्शन कराएंगे। तो चलो चलते हैं महाकाली की तरफ, वो सामने आप देख रहे हैं महाकाल के रूप में महाकाली विराजमान है इस मंदिर में। मंदिर बनाया हुआ है बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भव्य। तो कर लीजिए हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन, ये आप सामने देख पा रहे हैं बड़ी सुंदर प्रतिमा है महादेव बाबा की महाकाल के रूप में। दोस्तों, ये भोजन हो गया अपना, अब भोजन खा के निकल रहे हैं हम यहाँ से और चलते हैं अपने विश्राम स्थल की तरफ और कराएंगे आपको सभी संपूर्ण दर्शन। तो बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में और लीजिए आनंद बाबा अमरनाथ बर्फानी के नज़ारों के और दर्शनों के। तो दोस्तों, कैसा महसूस कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कैसी वीडियो लगी है, क्या चीज़ अच्छी लग रही है, सारी चीज़ की कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। कुछ चीज़ अगर आपको सही नहीं लग रही है तो उसकी भी हम कमेंट करके बताएं, जिससे हम आने वाली वीडियो में सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बेस कैंप और आप देख रहे हैं बेस कैंप की सुंदरता और भव्यता। सामने पूरा तिरंगा रंग में रंगा हुआ है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको ये बेस कैंप कैसा लग रहा है और आपको हमारी अमरनाथ की यात्रा कैसी लग रही है। और हमारी अमरनाथ की यात्रा में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अभी अपना भोजन पानी सब हो गया। ठीक है बेस कैंप की तरफ, जहाँ पे हमारे बेड वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे जाके करेंगे विश्राम। अभी रात को 3 बजे बताया उन्होंने, हमें यहाँ से निकलने का प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अभी जाके हम सोएंगे और उसके बाद में कल सुबह 3 बजे यहाँ से निकलेंगे सीधे पहलगाम के लिए। ठीक है, और मिलते हैं कल आपसे पहलगाम में। ठीक है, कल तक के लिए जय जय भारत, हर हर महादेव, भूखे भगवान, काशी भगवानी, जय बाबा भगवानी। Thank you for watching Kunal Pandit Vlog. Subscribe please my channel.